चलिए उठिए, सोने दो। शेयर मार्केट में 12 लाख का प्रॉफिट क्या हो गया जनाब? काम पे नहीं जा रहे हैं, सो रहे हैं, टाइम देख रहे हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है। I don't forget that I'm an employee first, okay? मैं अपनी रोजी रोटी नहीं भूलता। क्या बात है, very good, अच्छी बात है। आप क्या, ये क्या हुआ? चीनी नहीं है इसमें। ओहो, so sorry, लाओ मैं डाल के लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम एक चुस्की ले लो, अपने आप मीठी हो जाएगी। लोग खामा खा रणवीर कपूर को रोमांटिक हीरो बोलते हैं, आपसे तो रोमांटिक कोई नहीं हो सकता, हर जगह रोमांस सोचते हैं आपको। तो इसमें गलत क्या है, बेबी हो तुम मेरी। चलिए उठिए, लेट हो रहा है। अब नाम ले ही लिया है तो रोमांस करते ही छोड़ूंगा। चेक डिपॉजिट करना मत भूलना। बाय बाय। और आजकल तो तेरी शेयर मार्केट है बड़ी जोरों शोरों से किस्मत चमक रही है। हाँ भाई, 12 लाख का प्रॉफिट कमाया इस बार मैंने। वेरी गुड। अच्छा ये बता, आज भाभी ने लंच में क्या भेजा यार? देखते यार। अरे वाह, मेथी की भाजी। भाभी यार रियली इज ग्रेट यार। अच्छा एक बात बता, इस वीकेंड पे तू क्या कर रहा है? क्यों भाई, दावत पे आने का इरादा है क्या? अरे यार दावत पे आने का नहीं, बुलाने का इरादा है यार। तो इसी वीकेंड का प्लान बना लेते, दिस सैटरडे। तो दिस सैटरडे दे धनाधन। डन। यार मुझे भी तो दे, लास सारी खा जाएगा तू ही, चल। चेस। चेस। यार चिल्ड विस्की पीने का मजा तो कुछ और ही है। और उसके साथ चिकन। You are right. फिर वैसे ना ऑफिस में कई बार मेरा टिफिन खाली कर चुका है ये। आज मेरी बारी है। हाँ हाँ। यार, वाओ, really amazing, भाभी जी। आपके हाथों में जादू है, जादू सच में। ठीक है मैं खाना लगाती हूँ आपको। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मैं सोच रहा था यार अगले हफ्ते हम कहीं घूमने चले। तो ठीक है यार, पर एक दिन की छुट्टी में क्या होगा? अबे 3 दिन की कंटिन्यू छुट्टी है, फ्राइडे को ईद मिलाद और सैटरडे को रिपब्लिक डे और संडे एज इट इज वीकली हॉलीडे। यार यार ये बड़ा अच्छा आइडिया। अब यार ये जो ठंड है ना, इसका असली मजा तो हिल स्टेशन पर ही आएगा। चल यार। टमाटर रखा आपने? अरे आप यहाँ? हाँ मैं ये सब्जियाँ खरीदने आया था। बेलापुर से जूही नगर में सब्जी खरीदने? हाँ वो यहाँ की सब्जियाँ ताजी जो होती है। हाँ आपको ताजी तो होती है, और वैसे भी यहाँ की मिर्ची भी बहुत सस्ती है। कितना हुआ मौसी? 50। ये लीजिए। लाइए मैं ले लेता। चलिए। पहले मैंने मना कर दिया, फिर उसने मना कर दिया, फिर हम दोनों ने ही मना कर दिया, फिर हमने हाँ कर दी, और इस तरह आपकी शादी होगी। आप रुक क्यों गए? चलिए। वो तुम्हारा घर आ गया। मेरा घर आ गया? मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। वो क्या है ना कि गौतम देख लेगा तो शायद गलत समझेगा। आप बहुत सीधे हैं शेखर जी। हमारे पति ने आपको दावत दी खाने पे, वो आप समझ गए, और हम आपको दावत दे रहे हैं, वो समझना नहीं चाह रहे आप?
चलिए ठीक है, चलती हूँ मैं। मुझसे मिलो। हमने कुछ गलत तो नहीं किया है? नहीं। और अभी क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो हो गया। पता नहीं यार, गौतम से नजरें मिला भी पाऊंगा या नहीं। देखो तुम खुद के साथ मुझे भी दोषी बना रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी नजर में सिर्फ सेक्स है? वो तुम उसे प्यार करते हो ना? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुसीबत है ये, तो ऑन ही नहीं हो रहा। यहाँ पास में इमरान का एक मोबाइल शॉप है और मैं उसको जानती हूँ, चलो वो तुम्हारा मोबाइल रिपेयर कर देगा। नहीं हो रहा ना, चलो चलो। जरा देखने से क्या हो गया? मोबाइल गिरा था क्या? हाँ हाँ गिरा तो था। नहीं तो इसमें टाइम जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए थोड़ी देर बाद आइए। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? वो बाद में आने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है ना, बाद में आके ले लेना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये इमरान आदमी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर तुम परेशान क्यों हो? काजल वो एक्चुअली बात ये है कि मैंने हमारा वीडियो उसमें वीडियो तुमने हमारा इमेज बनाया? तुम्हारी कभी याद आएगी तो मैं देख। तुमने सोचा है कि अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गया और इंटरनेट पे वायरल हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? तुमने सोचा है? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? जाओ जल्दी से वो मोबाइल लेके आओ, जल्दी जाओ। I'm so sorry. मैं अभी लाता हूँ। अरे साहब अच्छा हो आप आ गए, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या इसका बैटरी डाउन हो गया था इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा थैंक यू। अच्छा वो कुछ पे नहीं, करना नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ओके थैंक यू। मेरे क्या मोबाइल? हाँ तेरा। उम्मीद है कि ये गलती तुम दोबारा नहीं करोगे। बिल्कुल भी नहीं, पहले तो ये वीडियो डिलीट कर दूं मैं। हाँ प्लीज जल्दी करो। कर दी। अब चले। यार तुमने तो कहा था कि इमरान अच्छा आदमी है, क्या कर दिया उसने? लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो कि ये काम उसी का है? कॉमन सेंस, वीडियो सिर्फ मेरे मोबाइल में था और मेरे अलावा सिर्फ उसी ने ऑपरेट किया था वो मोबाइल, और उस दिन दुकान से निकलने के बाद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था तुम्हारे सामने। हाँ ये बात तो सही है, मगर ये अगर मगर कुछ नहीं, ये उसी का काम है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये वीडियो शूट कर दी ना ऐसा कुछ होता। तुमने सोचा है क्या
अगर गौतम और शेफाली को पता चलेगा तो हमारा क्या होगा? अरे यही सोच के तो परेशान हो रहा हूँ मैं, ऊपर से तुम टेंशन बढ़ा रही हो मेरी। तुम पता करो कि वो एमएमएस बनाने वाला क्या चाहता है। ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वो चाहता क्या है। मेरे मोबाइल से मेरी प्राइवेट वीडियो चुराता है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। चल बता, पता चाहिए क्या तुझे? आपको गलत फहमी हो गई साहब, ना मैंने आपके मोबाइल से वीडियो चुराया है और ना ही मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ और ना ही मुझे कुछ आपसे चाहिए। मतलब तू ऐसा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ऐसे तू। चल निकाल मोबाइल, निकाल अपना। अरे जल्दी कर ला। इसमें तो है नहीं वीडियो। मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपसे, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे ब्लैकमेलर को अच्छे से जानता हूँ मैं, वीडियो कहीं और छुपा के रखा होगा। सीधे से वीडियो दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। साहब मैं भी तो वही कह रहा हूँ, धमकी मत दो साहब, बोला ना एक बार वीडियो नहीं है तो नहीं है। कल तक का टाइम दे रहा हूँ तुझे, अगर ईमानदारी से वीडियो दे दिया। ब्लैकमेल करना मुझे? अरे एड़ा खोपड़ी का, पता नहीं किस वीडियो की बात कर रहा है। क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं वो आप व्हाट्सएप चेक कर रहा था। फोन साइड में रखो खाना। सर ये लाश किसकी है और इसे किसने मारा है? लाश के जेब से एक विजिटिंग कार्ड मिला है जिससे पता चलता है कि लाश किसी मोबाइल रिपेयर वाले इमरान की है। जांच चल रही है, इसे किसने मारा है जल्दी पता चल जाएगा। फोन उठाओ यार, सर्जन।